अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक अच्छा सा ज़्यादा एफिशिएंट बैटरी चार्जर। यहाँ पर दूसरे वर्ड्स में मैं कहूँ तो यार मैं एक ब्रिज रेक्टिफायर बनाने वाला हूँ, और अगर मैं और वर्ड्स में कहूँ तो यार मैं एक एसी टू डीसी कन्वर्टर बनाने वाला हूँ। तो यार अगर आप जानना चाहते हो कि एसी टू डीसी कन्वर्टर कैसे बनता है, या फिर ब्रिज रेक्टिफायर कैसे बनता है, या फिर बैटरी चार्जर कैसे बनता है, या फिर आप बनाना चाहते हैं, तो यार मेरी वीडियो को एंड तक लास्ट में देखिएगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसको यार बनाने के लिए आपको जो चीज़ें चाहिए वो मैं डिस्क्रिप्शन में ही बता दूंगा आपको यार नीचे, लेकिन मैं वैसे ही बता देता हूँ। तो आपको यार चाहिए एक 12+12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर, चार डायोड्स और एक कैपेसिटर चाहिए जिसकी वैल्यू होगी 35 वोल्ट और 2200 माइक्रोफेरेड। तो यार ये जो ट्रांसफार्मर है इसकी हमें सेंटर वाली वायर नहीं चाहिए, तो उसको मैंने इंसुलेट कर दिया। हम जो बाहर वाले दो वायर्स है ना हम उसको यूज़ करेंगे। तो यार ये मैंने ब्रिज रेक्टिफायर का सर्किट बना लिया है। तो यार आप कह रहे होगे कि भाई ने तो बना भी लिया, तो अब हम क्या करें भाई, वीडियो बनाने का क्या मकसद है? तो चलो यार मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे बनाना है। यार बिल्कुल आसान चीज़ है, इसलिए मैंने पहले ही बना लिया ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो अब आपको मैं सर्किट डायग्राम दिखाता हूँ। तो यार सर्किट डायग्राम में देखो सीधी सीधी सी चीज़ें लगी हुई हैं, बस इतना सा सर्किट है। आपने बस इस ये सर्किट बनाते हुए ये चीज़ का ध्यान रखना है कि डायोड का जो पॉजिटिव और नेगेटिव एंड है ना उसका ध्यान रखना है आपने। बाकी यार डायोड्स को ऐसे जैसे मैंने सर्किट डायग्राम में चार डायोड्स को जोड़ा वैसे जोड़ा, और उनके आउटपुट को कैपेसिटर लगाओ और आपका ये चार्जर तैयार हो जाएगा। तो यार ये वाले इसकी इनपुट साइड है सर्किट की, और जो दूसरी वाली साइड है वो आउटपुट वाली साइड है, ये वाले आउटपुट की वायर्स हैं। तो चलो मैं ट्रांसफार्मर के साथ कनेक्ट कर देता हूँ इस सर्किट को। यार जो मैंने अभी डायग्राम दिखाई है बिल्कुल सेम टू सेम मैंने वैसे ही ये सर्किट बनाया है, बस डायोड्स को मैंने वो चार सा यार ऐसे स्टार सा नहीं बनाया, आप किसी भी तरीके से रख लो लेकिन कनेक्शन उसी तरह से रखने हैं। मेरे डायोड्स जो हैं सारे चारों एक साथ पड़े हैं, लेकिन इनके जो कनेक्शन हुए हैं ना वो वैसे ही हुए हुए हैं जैसे मैंने आप लोगों को सर्किट डायग्राम में दिखाया है। तो यार इनको जोड़ने के बाद मैं इनके ऊपर टेप लगा देता हूँ ताकि ये कई वायर्स आपस में मिल के शॉर्ट सर्किट ना हो जाए। तो यार मैं वॉइस ओवर करने के लिए अपने लॉन में बैठा हूँ, यहाँ पे आपको परिंदों की आवाज़ें आ रही होंगी और हवा की भी आवाज़ आ रही होगी, तो उम्मीद करता हूँ अच्छी लग रही होगी आवाज़। बस मुझे तो अच्छी लगती है यार ऐसे परिंदों की आवाज़ें। तो ये मैंने यार इसको इंसुलेट कर दिया। अब हम आउटपुट के ऊपर वोल्टेज चेक करते हैं। तो वोल्टेज कैसे चेक करने हैं यार, ये मैं दोनों तारे अपने मुंह में डालूंगा। ओ भाई ऐसा बिल्कुल नहीं करना, मीटर लगा के चेक करेंगे, ऐसे को कहाँ से वोल्टेज पता चलेंगे, आप करंट ही लगेगा भाई। तो यार ये देखो हमारे पास 36 वोल्ट्स आ रहे हैं आउटपुट के ऊपर। तो यार 36 वोल्ट्स वैसे काफ़ी ज़्यादा है, अगर हमने इसके साथ 12 वोल्ट की बैटरी चार्ज करनी हो तो फिर हम क्या करेंगे? तो यार उसके लिए हम एक वोल्टेज रेगुलेटर लगा देंगे आगे, और कुछ नहीं करेंगे यार। वोल्टेज रेगुलेटर है ये मेरे पास, ये हम किस लिए यूज़ करते हैं यार, ये हम कांस्टेंट डीसी लेने के लिए यूज़ करते हैं, या फिर मैं दूसरे वर्ड्स में कहूँ तो ये वोल्टेज रेगुलेटर हमें कांस्टेंट डीसी वोल्टेज प्रोवाइड करता है, और इसको हम डीसी वोल्टेज को कम करने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो यार इसका नंबर है 7818 इस वोल्टेज रेगुलेटर का। तो आप दुकान पर जब कह देना भाई हमें 7818 वोल्टेज रेगुलेटर चाहिए, तो वो आपको ये दे देंगे। तो इसको आप देखो इसकी तीन पिन्स हैं यार, 1, 2 और ये 3, इसकी तीन पिन्स हैं, पिन नंबर 1, पिन नंबर 2 और पिन नंबर 3 अगर मैं लेफ्ट साइड से देखूँ। तो हमने क्या करना है, पिन नंबर 1 को यार जो आउटपुट पे है ना पॉजिटिव सप्लाई वाली वायर उसके साथ कनेक्ट कर दूंगा। पिन नंबर 1 को हमने पॉजिटिव सप्लाई वाले वायर के साथ कनेक्ट कर देना है, और जो पिन नंबर 2 है उसको हमने नेगेटिव सप्लाई वाली वायर के साथ कनेक्ट कर देना है। यार वोल्टेज रेगुलेटर की पिंस के साथ मैंने ये वायर्स पहले से कनेक्ट कर ली थी ताकि कनेक्शन करने में आसान नहीं हो, वीडियो लंबी ना हो। वैसे आपको ये वायर्स पहले से लगी हुई नहीं मिलेंगी, ठीक है? ये आप देख लो कि यार मैंने पिन नंबर 1 को पॉजिटिव सप्लाई के साथ और पिन नंबर 2 को मैंने नेगेटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दिया। अब मैं पिन नंबर 1 को जो मैंने कनेक्शन किया था उस जॉइंट को मैं इंसुलेट कर देता हूँ, और मैं पिन नंबर 2 वाले जॉइंट को इंसुलेट नहीं करूँगा। यार क्यों नहीं करूँगा वो भी आपको भी पता चल जाएगा। तो यार इसको मैंने इंसुलेट कर दिया क्योंकि हमने आउटपुट लेनी थी यार पिन नंबर 2 से, इसलिए मैंने इसे इंसुलेट नहीं किया। अब हमने आउटपुट लेनी है पिन नंबर 3 और पिन नंबर 2 से, ठीक है? पिन नंबर 3 से हमें पॉजिटिव सप्लाई मिलेगी और पिन नंबर
टू से हमें नेगेटिव सप्लाई। तो चलो यार वोल्टेज चेक करके देखते हैं आप वोल्टेज रेगुलेटर लगाने के बाद कितने वोल्ट्स आ रहे हैं आउटपुट के ऊपर। पिन नंबर 3 और पिन नंबर 2 से हम आउटपुट लेंगे। तो यार ये देखो हमारे पास 18 वोल्ट्स आ रहे हैं, पहले आपने देखा था 36 वोल्ट्स आ रहे थे भाई, बहुत ही ज़्यादा थे वोल्टेज। जो कि हमने अगर 12 वोल्ट की बैटरी चार्ज करनी है इसके साथ, तो भाई मैंने आगे वोल्टेज रेगुलेटर लगा दिया 78 18, उसने भाई वोल्टेज को कम करके 18.2 वोल्ट्स हमें दे दिए। और यार जो चार्जर होता है ना बैटरी चार्जर, अगर आपने 12 वोल्ट की बैटरी चार्ज करनी है तो चार्जर के वोल्टेज बैटरी से थोड़े से ज़्यादा ही होने चाहिए, तभी बैटरी अच्छे से चार्ज हो पाएगी। तो इसलिए हमने 12 वोल्ट की बैटरी चार्ज करनी है, तो इसलिए मैंने जो चार्जर के वोल्टेज रखे हैं वो मैंने 18 रख लिए हैं। यार आप 15 भी रख लो तो वो भी सही रहेगा, तो उसके लिए आपको रेगुलेटर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए आपको 78 15 लगाना पड़ेगा, तो आउटपुट के ऊपर आपकी 15 वोल्ट्स आएंगे। रेगुलेटर को आप यूज़ करोगे वोल्टेज रेगुलेटर को, तो ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा और भाई जल जल जाएगा, ऐसे ही आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे जो आपने वोल्टेज रेगुलेटर के ऊपर लगाए होंगे। तो यार ऐसे अपने पैसे बचाने के लिए क्या करना, इसके पीछे एक हीट सिंक लगा देना वोल्टेज रेगुलेटर के पीछे। यार ये मेरे पास बहुत बड़ा हीट सिंक है, इतना बड़ा नहीं लगाना आपने, ज़रा छोटे साइज़ का चाहे ले लेना। तो इसके पीछे हीट सिंक लाजमी लगाना यार, ऐसे रख के ऊपर स्क्रू लगा देना या फिर एल्फी वगैरह से चिपका चिपको देना, तो आपका काम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगे तो यार वीडियो को लाइक कर दो, और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और यार बेल आइकन दबा दो। ओके फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।